मैं कम इन सर। प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। कीर्ति जी सर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम सभी लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है और एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। जी सर। तो सारे COVID-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। जी। आपके पास ये विकल्प है कि आप मास्क पहनकर या उतार कर आप इंटरव्यू दे सकती हैं। एक बार के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपनी पहचान कराने के लिए मास्क को हटा लीजिए। ओके सर। कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? जी सर। ठीक। तो अपने नाम और जाति बताए बिना अपना परिचय दीजिए। सर, मैं मूलतः कानपुर की निवासी हूँ। मैंने 2015 में ग्रेजुएशन किया है और 2017 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और 2017 से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में किया है? ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सोशियोलॉजी। अच्छा। और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया? पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सोशियोलॉजी से किया। सोशियोलॉजी से किया है, समाजशास्त्र। और ऑप्शनल क्या रखा है आपने? ऑप्शनल सर मेरा भूगोल है। भूगोल है, तो सोशियोलॉजी क्यों नहीं रखा आपने, तो जब इससे पढ़ाई की है? सर, जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो मैं सर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, बहुत अवेयरनेस नहीं थी कि सर क्या मैं सब्जेक्ट लूँ क्या नहीं लूँ, तो उस टाइम सर वहाँ पे जो अवेलेबल था मैंने वो ले लिया। तो समाजशास्त्र में ऐसी कोई रुचि नहीं है आपकी? सर उस टाइम तो जो मिला सर ले लिया, मैंने ऐसी रुचि नहीं थी और सर मुझे एकेडमिक में जाना नहीं था, इसलिए सर मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी रखा। एकेडमिक्स में जाना नहीं है, एकेडमिक से इस मतलब रुचि नहीं होने का कारण? सर मैं सिविल सर्विसेज में ही जाना चाहती हूँ इसलिए। अच्छा। और सर मुझे ज्योग्राफी यहाँ इस बेनिफिट लगा सर कि फर्स्ट पेपर में अच्छा है, थर्ड पेपर में अच्छा है। तो ये बहुत ही आपने एग्जाम के दृष्टिकोण से ये निर्णय लिया। एग्जाम के दृष्टिकोण से। मुझे ये बताइए कि जब महिला अधिकारों की बात की जाती है तो दो तरीके के टर्म्स हम सुनते हैं, कि अनपेड वर्क भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, अनपेड जिसके लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है, और अंडरपेड भी हैं वो। ठीक है, तो किस परिस्थिति में उनका काम अनपेड रह जाता है और कहाँ उन्हें कम वेतन मिलता सर, है? सर जब महिलाएं घर में जो वर्क करती हैं उनका उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता, उसे हम अनपेड कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। और जब हम सर किसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के काम करते हैं और हमें उसका पारिश्रमिक मिलता है तो सबसे हम पेड। ये किस वजह से होता है कि जब काम में कोई ऐसी डिफरेंस नहीं है तो क्यों पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है और महिलाओं को कम? सर ये ऐसे कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह रहे हुए हैं कि महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर हैं या वो कम श्रम बल में भागीदारी नहीं कर पाती हैं, इसलिए सर उन्हें शायद कम। तो आपको लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं इस बात में कोई सच्चाई है या ये बिल्कुल ही भ्रांति है? सर ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि सर अगर रिपोर्ट देखें, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था सर महिलाओं का जो पारिश्रमिक है वो पुरुषों से ज़्यादा है, क्योंकि सर वो घर के भी सारे जो दायित्व हैं उनको निभाते हुए अपना व्यावसायिक काम भी करती हैं। आपको क्या लगता है कि पुरुष जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते हैं या मतलब क्यों ये पुरुष प्रधान समाज है? सर निभाना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं सर वो पैट्रियार्की माइंडसेट बना हुआ है, इसलिए उन्हें लगता है कि महिलाएं घर के साथ बाहर के काम भी देखें। अच्छा। मतलब अगर वो कुछ श्रम बल में भागीदारी करना चाहती हैं तो वो भी करें लेकिन घर परिवार को भी देखते हुए चलें। आपको क्या लगता है कि जब हम बात करते हैं ये लेबर लॉज की, जी तो अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया कि कई सारे श्रम कानूनों को उन्होंने 4 कोड्स में वो कर दिया, समाहित कर दिया है। तो कौन से वो 4 कोड्स हैं? सर पहला कानून है इसमें जो श्रमिकों से ट्रेड यूनियन जो होते हैं उनके साथ कैसा अनुबंध होना चाहिए और श्रमिकों को कैसे सर कैसे दशाएँ देनी चाहिए कार्य करने की। दूसरा है सर सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि सर जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा की बहुत बड़ी समस्या होती है, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रावधान किए गए हैं। दूसरा है सर कि कार्य स्थितियाँ कैसी होनी चाहिए, कार्य करने की अवधि कितनी होनी चाहिए, और महिलाएं हैं सर कि वो अगर रात में काम करना चाहती हैं तो ऐसा नहीं था तो उनके लिए सर एक टाइम निर्धारित किया गया कि अगर वो अपनी मर्जी से चाहें तो काम कर सकती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, इसमें भारत में ज़्यादा श्रमिक किस सेक्टर में है? सर इनफॉर्मल सेक्टर में। कितने प्रतिशत? अबव 90%। अबव 90% जी। और लेबर लॉज क्या इनफॉर्मल सेक्टर पे अप्लाई होते हैं? जी सर होते हैं। होते हैं? आप श्योर हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर पे अप्लाई होते हैं लेबर लॉज? सर क्योंकि जो लेबर लॉ होते हैं वो सर श्रमिकों से ही संबंधित होते हैं और उनको कैसे कार्य करना है, उनको सर बोनस कितना देना है और सारी चीज़ें जो होती हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर में आपके हिसाब से बोनस वोनस सारा रहता है?
जी सर रहता है। ठीक है, अगर वहाँ पे सर अगर ये वहाँ कोई पे बात नहीं सर, सदस्यों की संख्या निर्धारित हो सर अगर। जी सर। आप का चयन किसके लिए हुआ है? लेबर, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए। अच्छा, मुझे बताइए कि वर्तमान श्रम कानूनों में मैटरनिटी लीव कितने वीक की बताई गई है? श्रम सर, श्रम कानूनों में मैंने ठीक से तो पढ़ा नहीं, बट सर मैटरनिटी लीव जो है वो 26 वीक की हो गई है। अच्छा अच्छा ये बताइए आपका वैकल्पिक विषय क्या है? भूगोल। वैकल्पिक विषय भूगोल है। भूगोल है। आप कंफर्टेबल हैं? जी सर। रिलैक्स है ना इस समय? जी। ठीक है, मुझे ये बताइए कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से एंट्री लेती है, किस जिले से बिहार चली जाती है? सर ये बिजनौर जिले से एंट्री लेती है और बिहार और सर बांग्लादेश में ये जाती है वो। उत्तर प्रदेश से बिहार कहाँ किस जिले से जाती है? उत्तर प्रदेश से बिहार किस जिले से जाती है सर? आगरा से जाएगी, कानपुर से जाएगी, अलाहाबाद से जाएगी। उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश से जाना है बिहार जी, तो अंत कहाँ हो रहा है, अंतिम जिला कौन सा है? अंतिम जिला सर इसका अंतिम जिला नहीं पता सर। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए आजकल एक पिछले वर्ष भी ओमेगा हीट वेव की चर्चा हो रही थी, नाम सुना? ओमेगा हीट वेव नहीं पता सर। सर अच्छा ये बताइए जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों चलती है? सर जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व क्यों चलती है? क्योंकि सर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण ये सर। पश्चिमी विक्षोभ को तो ले आती है वो। जी। वो क्यों चलती है? सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए पेरिस संधि का नाम सुना है आपने? जी सुना सर। किगाली? किगाली भी सुना है। सुना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? हाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या संबंध है तीनों में? सर किगाली मॉन्ट्रियल सर ओजोन परत से संबंधित है। किगाली किससे संबंधित है? किगाली सर जलवायु परिवर्तन से और पेरिस भी जलवायु परिवर्तन से। मॉन्ट्रियल? मॉन्ट्रियल सर ओजोन परत से। तीनों में संबंध क्या है? तीनों में सर संबंध तो नहीं पता पर तीनों ही सर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए आपने कॉपेन का वो पढ़ा है, क्लासिफिकेशन पढ़ा है? कॉपेन का? जी सर। AM क्या है ये? AM सर ये जलवायु प्रदेश को निर्धारित करता है जो कैसे? सर कैसे कौन से जलवायु प्रदेश? ये सर उष्णकटिबंधीय सदाबहार जलवायु को। सदाबहार है ये? श्योर है? उष्णकटिबंधीय AF क्या है? AF सर ये आर्द्र जलवायु प्रदेश को निर्धारित करता है। अच्छा ये बताइए कि आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि महिलाओं की दशा जी एक जनरल बात है उत्तर भारत में बेहतर है कि दक्षिण भारत? सर अगर कंपेयर करें तो दक्षिण भारत में बेहतर है क्योंकि सर वहाँ पे उनका साक्षरता। इसको भौगोलिक दृष्टि से समझाइए क्या कारण है इसका? भौगोलिक दृष्टि से सर भौगोलिक दृष्टि से इसमें भूगोल की भूमिका है? भूगोल की भूमिका तो सर नहीं पता है पर आपका वैकल्पिक विषय भूगोल है, आपने नहीं सोचा इन सब बातों पर? नहीं सर। सर कीर्ति जी सर मूवी देखना पसंद करती हैं, बैडमिंटन खेलना पसंद करती हैं, अभी ये किसी बैडमिंटन प्लेयर पे एक मूवी आ रही है, क्या नाम है उसका? जी सर साइना नेहवाल उनकी बायोपिक बन रही है। नाम साइना नेहवाल ही है फिल्म का? साइना नाम है सर मूवी का। साइना नाम है जी। गुड, उनके अलावा और कौन महिला प्लेयर हैं बैडमिंटन की, दो और के नाम बताइए उनके साइना नेहवाल के अलावा? सर पीवी सिंधु खेलती हैं सर, अभी कोई नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा अभी हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, कहाँ पे? सर एग्जैक्टली तो नहीं आता बट लग रहा सर पेरिस में हुआ था। चलिए कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा हाल ही में आपने स्वेज नहर के बारे में कुछ सुना होगा? जी सर स्वेज नहर में अभी एक सिप है वो वहाँ पे फंस गया, इस वजह से वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो रही है। अब हट गया कि अभी फंसा हुआ है? सर आज की न्यूज़ तो ये है कि हट गया है। हट गया है जी। क्या नाम था उस सिप का? सर सिप का नाम याद नहीं है। सिप कंपनी का नाम? सिप कंपनी का नाम। न्यूज़ देखा था आपने कभी उस सिप सर, को? न्यूज़ देखा नहीं बट न्यूज़पेपर में सर मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा उसकी फोटो सर नाम भी पढ़ा है बट याद नहीं आ रहा है। अच्छा 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 ये बताइए स्वेज नहर किन दो जल तंत्रों को जोड़ती है? सर ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। वेरी गुड। कितनी लंबाई है इसकी? सर लंबाई लगभग सर 167। नहीं तो ज़्यादा है तो सर एग्जैक्टली ज़्यादा है लंबाई। अच्छा बताइए जब ये बनाई गई सर आई थिंक सर 7000। नहीं वो आपने दूसरी चीज़ याद की हुई है, कितनी दूरी कम हुई है।
दूरी वैसे 9000 कम हुई थी, पीसीएस ने गलत पूछ लिया था, लेकिन वही सही माना जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा अगर हमको ये समझ लीजिए कि साउथ चाइना सी से, दक्षिणी चीन सागर से हमको इटली तक जाना है, जी सर, साउथ इटली तक मान लीजिए, तो हम कौन कौन सी जल संधियां पार करेंगे? सर साउथ चाइना सी से जाएंगे तो सबसे पहले इंडियन ओशन में आएंगे, तो सर मलक्का स्ट्रेट मिलेगी। वेरी गुड। इसके बाद सर हम मलक्का के पहले कोई और मिल सकती है कि नहीं? मिल सकती है सर, पर मुझे भी सर संधि पता है। गुड। इसके बाद सर हम लाल सागर में जाएंगे तो वहाँ पे हमें बॉस्पोरस मिलेगी, और उसके बाद सर हम सीधे मेडिटेरियन सी में जाएंगे। बॉस्पोरस कहाँ है? लाल सागर में है। अच्छा वो जल संधि कौन सी है जो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है? एशिया को अफ्रीका से सर स्वेज नहर ही है। चलिए कोई बात। अच्छा स्वेज नहर जो बनाया था उसका वास्तुकार कौन, उसका इंजीनियर कौन था, मुख्य इंजीनियर? सॉरी सर नहीं पता। अच्छा स्वेज, और इसी तरह एक नहर और है पनामा, जी सर है ना, पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? पनामा सर अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। वेरी गुड। अच्छा ये देखिए पनामा और स्वेज में मुख्य अंतर क्या है, इन दोनों नहरों में मुख्य अंतर क्या है, इनकी मतलब इंजीनियरिंग में कुछ अंतर है? नहीं पता सर। लेक और लॉक सुना है आपने, लेक एंड लॉक सिस्टम, झील और पास तंत्र? झील तो सर पता है, पास तंत्र नहीं पता है। अच्छा पनामा नहर की ही एक कहा जाए कि प्रतिद्वंदी नहर बनाई जा रही है, कोई एक देश है पनामा के आसपास, वो भी एक झील को काटकर एक नई नहर बना रहा है, वो कौन सा देश है? नहीं पता सर अभी। नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। अच्छा कील नहर कहाँ है? कील नहर सर ये बाल्टिक सागर। वेरी गुड। कहाँ पे है कील नहर, किस देश में? ये सर जर्मनी। जर्मनी। वेरी गुड, वेरी गुड, आप सही बता रहे हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अच्छा ये बताओ भूगोल और जियोग्राफी और जियोलॉजी, भूगोल और भूगर्भ शास्त्र दोनों में क्या अंतर है? सर भूगोल में हम जो लैंड के ऊपर है चीज़ें उन सभी का अध्ययन करते हैं, और भूगर्भ शास्त्र में हम सर जो पृथ्वी के अंदर चीज़ें हैं उनका अध्ययन करते हैं। वेरी गुड। अच्छा भू आकृतियाँ क्या होती हैं? भू आकृतियाँ होती हैं सर जो चट्टानों के अपरदन, परिभाषा, सिंपल परिभाषा दे दो आप। जो सर चट्टानों के अपरदन है, आप छेड़ से जो भी आकृतियाँ बनती हैं उसमें सर झील, ये केवल अपरदन और अपक्षय से बनेंगी? नहीं सर, ये संपीडन बल और वलन से भी बनती हैं सर। तो हम अच्छा ऐसे बलों मतलब को हम क्या, अंतर्जनत और बहिर्जनत बल दोनों से ही बनती हैं भू आकृतियाँ। भू आकृतियाँ, तो भू आकृतियों की परिभाषा होगी? भू आकृतियों सर परिभाषा, उनका सर कोई आधार हो सकता है, उनकी हाइट हो सकती है। अरे भूपृष्ठ पर निर्मित त्रिविमीय संरचनाएं भू आकृतियाँ कहलाती हैं। थ्री डायमेंशनल है ना जी। एनीवे कीर्ति, यू आर डूइंग गुड सर। कीर्ति मुझे ये बताइए आप कि उत्तर प्रदेश के कोई 5 GI टैक्स बताइए। सर सर सुनाइए। GI टैक्स तो जानते होंगे आप? जी जी। 5 बताइए। सर जैसे उत्तर प्रदेश में सर आम की फसल बहुत फेमस है तो वो GI टैक्स है, और सर चिकन का काम वो GI टैक्स है, और सर मिठाई यहाँ पे जैसे आगरा के पेठे फेमस है वो GI टैक्स है। अच्छा और कोई? ठीक है। मुझे ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, इसमें अभी कोई परिवर्तन किया गया है हाल फिलहाल में? सर परिवर्तन नहीं पता है, लेकिन सर जो भी जिले की फेमस चीज़ें हैं उनको सरकार प्रमोट कर रही है। प्रमोट कर रही है जी। आपका जिले से कौन सी फेमस चीज़ है? सर मेरे जिले से होम टाउन से सर वहाँ का लेदर बहुत फेमस है। अच्छा जी, क्या खास बात है उसकी? सर क्वालिटी वाइज अच्छा है अदर डिस्ट्रिक्ट के कंपेयर। ठीक है, अभी अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात की जाए तो आप मुझे ये बताइए कि कितने महिला विधायक हैं वर्तमान विधानसभा में? सर पिछली बार के चुनाव के कारण सर आई थिंक 43 महिलाएं हैं। अच्छा आपको लगता है कि ये अनुपात सही है या बहुत कम है? नहीं सर बहुत कम है। बहुत कम है, इसकी मूल वजह क्या है? क्योंकि लोग ही चुन के भेज रहे हैं, और अगर हम माने कि 50-50 हैं मेल और फीमेल, तो 50% तो महिलाएं भी हैं, तो महिलाएं भी महिलाओं को वोट नहीं दे रही हैं। सर पहली चीज़ तो सर जागरूकता की कमी है, और महिलाएं सर ऐसा समझती हैं कि वो राजनीति के लिए फिटनेस ले आना नहीं चाहती हैं, अगर वो सर वो आगे आए तो कर सकती हैं, और कहीं ना कहीं सर जैसे कि हर जगह महिलाओं को आगे आने के लिए कुछ आरक्षण दिया गया है, सर राजनीति में भी नहीं मिला हुआ है। मिलना चाहिए आपके हिसाब से?
हाँ सर मिलना तो चाहिए। महिला आरक्षण के लिए तो बात बहुत समय से हो रही है और जो नेशनल पार्टीज हैं वो एकमत भी हैं कि हाँ देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये किस कारणवश नहीं हो पा रहा है, क्या मुख्य मुद्दा अटक रहा है? मुख्य मुद्दा सर यही अटक रहा है कि उनको लगता है कि महिलाएं अभी इसके लिए फिट नहीं है राजनीति में आने के लिए, जो चुनौतियां हैं वो हैंडल नहीं कर पाएंगी। अच्छा ठीक है, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि आप लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर बन जाती हैं और एक समारोह आप आयोजित करती हैं जिसमें वहाँ के कलेक्टर आते हैं। यस सर। और कलेक्टर आकर वो कुछ बात करते हैं और महिलाओं को पहनावे पर उपदेश देते हैं, बताते हैं कि अगर महिलाएं अपने पहनावे का ध्यान रखेंगी तो उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसके बाद जैसे वो ये वक्तव्य दे चुके हैं, इसके बाद आपको वोट ऑफ थैंक्स देना है, तो इस वोट ऑफ थैंक्स में आप क्या कहेंगे, आप इस बात पे कुछ टिप्पणी करेंगी या इसको जाने देंगी? सर पहनावे को लेकर मुझे लगता है सर सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो जो पहनना चाहते हैं पहने। नहीं बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आप क्या इस बात को का जिक्र करेंगे अपने स्पीच पे? जी सर करूँगी। तो आपको नहीं लगता कि इससे आपके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या? सर मैं प्रतिकूल मैं प्रतिकूल तरह से नहीं करूँगी, मैं सर प्रमोट करूँगी कि महिलाएं भी जो चाहें वो पहन सकती हैं और पुरुष भी जो चाहें वो पहन सकते हैं। ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए बैठिए। कीर्ति ये आपका पहला इंटरव्यू होगा बोर्ड में? यस सर। पहले कभी आपने मॉक्स वगैरह भी दिए? नहीं सर पहला मॉक पहला है। तो इसलिए घबराहट है शायद थोड़ी सी सर। आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप मतलब वही है कि जो आता है वो भी आप आत्मविश्वास के साथ नहीं बता रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी आपकी वॉइस लो है, ठीक है, नहीं आता है तो और भी लो हो जाती है, इससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है सर। तो आप कोशिश करिए कि जो आता है, देखिए सारे क्वेश्चन का आंसर देना तो कोई बाध्यता है नहीं, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सवाल आपको अच्छे से आते हैं उन पे आप अपना उत्तर अच्छे से दें, ठीक है, वॉइस को थोड़ा ऊंचा रखेंगे जिससे कि अच्छे से सुनाई दे, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ठीक है कि सर। आपकी बात जो आप बोल रहे हैं वो सारे मेंबर्स सुन लें, ठीक है। और जब सवाल को बदल दिया जाता है, जैसे कि मैंने वो क्वेश्चन पूछ के मैंने सर को पास कर दिया, लेकिन आप फिर भी उस सवाल पे अड़ी रही, मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया सिचुएशन, ऐसे ऑकवर्डनेस आपको क्रिएट नहीं करनी है। जैसे ही इस तरफ से बोलना शुरू होता है बोर्ड की तरफ से, आपको चुप हो जाना है, आप सुनिए कि क्या बोल रहे हैं, हो सकता है कि आपके उत्तर से वो संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं है, किसी भी उस पर वो उनके पास राइट है कि वो सवाल को बदल दें, आप उस पर अड़े मत रहिए कि नहीं मुझे तो अपना आंसर कंप्लीट करना है, मेंस का पेपर नहीं है कि आपको आंसर पूरा लिखना है, अगर सवाल बदल दिया जाता है तो आप एकदम उसको मान लीजिए, यहाँ से जैसे ही बोलना शुरू होता है आपको चुप हो जाना है, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करना है, तो वो ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, ठीक है, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। और आपने एक जगह कहा कि मैंने ठीक से तो पढ़ा नहीं, ठीक है, तो ये मतलब बहुत सही वाक्य नहीं है, इस तरीके की बात हम नहीं बोलेंगे कि मैंने मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है, ये मतलब आप अपनी इंटीग्रिटी पे खुद सवाल उठा रही हैं, ठीक है, तो इसको नहीं बोलना है, आपने ऐसे कैजुअली बोल दिया लेकिन वो बात को पकड़ा जा सकता है जी, ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने, लूज टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लेबर लॉ वाला क्योंकि आपका पोस्ट उसके लिए आप जा रहे हो, तो लेबर लॉज को थोड़ा देख के जाएंगे, वो चार कौन से कोड्स आए हैं, उनको लेकर मुख्य विरोध क्या है, ठीक है, क्या अच्छी बातें हैं उनमें, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा पता होनी चाहिए। और अभी जब COVID-19 लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों पे काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आई, तो उसके बाद सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, ठीक है सर, कुछ कुछ संशोधन भी किए गए हैं, लेकिन वो कुछ में जो फैक्ट्री मालिक हैं उनके हित के लिए भी किया गया है, तो श्रमिकों का हित और उनका कैसे बैलेंस होगा ये सब पे आप थोड़ा देख लीजिएगा। और जैसे कि गंगा नदी के बारे में भी पूछा गया, तो आप ज्योग्राफी के भी स्टूडेंट हैं, बेहतर आंसर अपेक्षित है, ठीक है, तो थोड़ा बेसिक्स पे ध्यान रखिए, आपका अच्छा होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, हम लोगों का मानना है कि आप अच्छी कैंडिडेट हैं और थोड़ा सा आत्मविश्वास के साथ बोलेंगी तो बेहतर होगा, ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। घबरा क्यों रही हो, आप बिल्कुल अच्छा कर सकती हो, स्माइलिंग फेस रखो, टंग से रखो, पहला मौका है इसलिए थोड़ा और, हाँ तो बस अब तो पहला इंटरव्यू भी होगा तो उसमें घबरा जाओगी, अच्छे से दीजिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, अच्छा करोगे आप, थैंक यू सर।